हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज एक बहुत अच्छा सा केस स्टडी होने वाला है जो सबके लिए ही है। तो ये भी गीगाबाइट H81MS देख सकते हो, इसका रिवीजन है 1.0। तो इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने एक भी नहीं डाला अभी भी, तो सोचा एक ऐसा है तो एक प्रॉब्लम है तो एक वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये एक्चुअली नो पावर का इशू है, लेकिन ये फुल्ली डेड कंडीशन का इशू है। तो देख लो पहले प्रॉब्लम को, फिर कैसे सॉल्व आउट करना है वो भी बता रहा हूँ। ऐसी टाइप के मैं पहले बोल दूँ, ऐसी टाइप के केसेस 100 केसेस में एक या फिर दो आता है। अगर एक बार बिना स्किप किए वीडियो को अच्छी से देख लो तो गीगाबाइट के ऊपर आपका लाइफ टाइम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जब भी ये प्रॉब्लम आए तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन स्किप कर दिया तो कुछ समझ नहीं पाओगे। और तो देख लो पहले एक बार। तो मैंने दिया और पावर दे दिया, SMP स्पॉन कर देता हूँ। तो अभी देखो, मैंने फैन भी एक लगा देता हूँ, ठीक है। अभी देख लो पहले, ये फुल्ली डेड कंडीशन में है, ये बोर्ड आया है। तो मैं भी बहुत टाइम, 1 घंटा हो गया मैं देख रहा था, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। तो मैंने पहले जैसा था वैसा ही करके रख दिया है, क्योंकि दिखाना है आप लोगों को। और अच्छे से मैं एक बार बता दूंगा तो आप सीख जाओगे, कोई बात नहीं जो नया लोग हो। पहले देख लो, मैंने पावर दे दिया और एक डिबग कार्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर PS ऑन वोल्टेज, कोई भी लाइट ग्लो नहीं कर रहा है। अब देखो मल्टीमीटर पे आ जाते हैं थोड़ा सा, तो नो पावर का इशू बहुत सारा होता है। तो और एक बात बोल दूँ, पिछले मैंने एक ट्यूटोरियल किया था मदरबोर्ड के ऊपर, रिपेयरिंग के ऊपर, तो उसमें ये वाला सब्जेक्ट मेंशन करना भूल गया था, क्योंकि वीडियो में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैं लिख के स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ जो पढ़ पढ़ के वीडियो बनाऊँ, इसीलिए दिमाग से हट गया था तब। तो मुझे ये वाला प्रॉब्लम भी उस वीडियो में शेयर, थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया। तो अभी देख लो, और जो भी मेरा वो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा, मदरबोर्ड का ट्यूटोरियल मैंने बनाया था, रीस्टार्ट नो पावर और नो डिस्प्ले और 1 घंटा आधा घंटा चलने के बाद ऑफ होना, तो वो लिंक मैं दे दूंगा, वो वीडियो देख लेना। तो चलो, एक प्रॉप को मैंने ग्राउंड कर दिया। अब देखो यहाँ पर PS ऑन वोल्टेज, देखो मल्टीमीटर दिख रहा है ना, मल्टीमीटर दिख रहा है अभी क्लियर। देखो यहाँ पर PS ऑन वोल्टेज दिख रहा है मल्टीमीटर, हाँ यहाँ पर PS ऑन वोल्टेज 0, सॉरी ये बाजार मोड से है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मैंने एक ग्राउंड कर देता हूँ और PS ऑन वोल्टेज दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो 0.45, 0. कभी कभार 25 ऐसा आ रहा है, अभी 0.45 PS ऑन वोल्टेज नहीं है, इसका मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये डिबग कार्ड का LED भी नहीं जल रहा है। तो ऐसे टाइप में ही था बोर्ड पहले, पहले जैसा था वैसा ही कर दिया। तो मैं बहुत ढूंढ रहा था, उसके बाद थोड़ा सा देखा मैंने, तो सिमेटिक के हेल्प से मैंने किया थोड़ा सा, क्योंकि बिना सिमेटिक के ऐसा प्रॉब्लम आप सॉल्व आउट नहीं कर पाओगे अगर आपको पता नहीं है। तो पता है पहले किया है उसके बाद अलग है। तो देखो मैंने सोचा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं है और इसका, और रिसेट वोल्टेज भी दिखा देता हूँ। इसका रिसेट वोल्टेज देख सकते हो, सॉरी इसका रिसेट वोल्टेज दिखा रहा है 2.90, ठीक है। तो 2.90 इसका रिसेट वोल्टेज आ रहा है, ठीक है 2.94। तो अभी देखो रिसेट वोल्टेज 2.94 है और PS ऑन वोल्टेज देखो, PS ऑन वोल्टेज इसका 0.00, कोई भी वोल्टेज नहीं है। और डिबग कार्ड में PS ऑन का जो LED होता है यूनिवर्सल डिबग कार्ड में, वो LED भी ग्लो नहीं कर रहा है, बोर्ड में ऑन पावर है, पावर मैंने दे रखा है, यहाँ पर देख के ही पता चलेगा आपको। देखो रिसेट वोल्टेज में 2.87 वोल्ट अवेलेबल है, इसका मतलब दैट मीन्स बोर्ड में पावर मैंने SMPS में दे रखा है। तो अभी देखो प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा मैं इस वायर के बाजू से दिखा देता हूँ।
घर के पीछे से, तो देख लो यहाँ पर एक पी चैनल का मॉस्फेट है, देख सकते हो आप, ये वाला एकदम ATX कनेक्टर के पास रैम स्लॉट के बीच में। तो अभी मैं जा रहा हूँ उस पे, तो यहाँ पर एक पी चैनल मॉस्फेट है जिसका इनपुट वोल्टेज 5 होना चाहिए, जो क्योंकि 0 है, और ड्रेन में इसका आउटपुट वोल्टेज भी 5 होना चाहिए, और सोर्स में जो भी है उसका मर्जी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज टोटली 0 है और आउटपुट वोल्टेज जो है ड्रेन में वो भी 0 है। तो अभी मैं खोल के इसे प्रॉपरली दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, वीडियो की स्किप मत करो, तो बहुत अच्छा एक काम सीख जाओगे आप लोग। तो देखो ये वाला एक मॉस्फेट है, बोर्ड को पहले देख लो, ऐसे रखना है, और ये ATX और रैम स्लॉट के बीच में एक मॉस्फेट होता है जो पी चैनल का है। मैंने देखा इसका डेटा शीट निकल के, इसका मैं ट्वीजर से दिखा दूँ थोड़ा सा। देखो ऐसे अगर बोर्ड पकड़ोगे तो यहाँ पर ये सोर्स है, ये इनपुट वोल्टेज है, सोर्स में इनपुट 5 वोल्ट जाएगा, तब जाके इसका ड्रेन पे आउटपुट वोल्टेज आएगा 5 वोल्ट। अगर ये मॉस्फेट सही रहा तो आपका बोर्ड में पावर कंजम्पशन सही रहेगा। तो ये मॉस्फेट खराब है या फिर लीकेज है। तो मैंने पहले उठाया, चेक किया, यहाँ पर देख सकते हो, मैंने दिखा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो मैंने SMD चलाया था जो थोड़ा सा जल गया है, तो वो ही वाला मैंने इंसर्ट कर दिया। तो अभी इसे हम उठाएंगे, एक बार रिमूव करेंगे और फिर बोर्ड को पावर देंगे, देखेंगे बोर्ड में PS1 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं और सारा वोल्टेज अवेलेबल है कि नहीं, वो मैं देखूंगा, हम सब देखेंगे, ठीक है। तो मल्टीमीटर यहाँ पर ही रहे, कोई बात नहीं, तो मैं इसे थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ, साथ में रहो, फैन को ऑफ करता हूँ, नहीं तो ये बहुत ठंडा हो जाता है, ये हीट में प्रॉब्लम होता है, फैन चले तो। तो देखो अभी हो गया रेडी SMD, तो चलो इसे निकालते हैं। इसे मैंने निकाल दिया, तो अब एक बार देखो, मैंने यहां से निकाल दिया, देख सकते हो क्लियर, और वो ये है, हाथ जल गया। सब होता है, कोई बात नहीं। ये देखो ये पी चैनल मॉस्फेट है, एक पी चैनल मॉस्फेट है, दूर से दिखा दूं। तो इसे रख देते हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, यहाँ पर रख देते हैं, और अभी हम एक बार बोर्ड को पावर देंगे, ठीक है। तो मैंने डाल दिया, सीपीयू का पावर भी डाल दिया, अब देखो डिबग कार्ड में डाल रहा हूँ, तब भी कोई इसका पावर कंज्यूमशन नहीं है, और मैंने पावर दे दिया, SMPS तो नहीं था। तो देखो इसमें कोई भी LED ग्लो नहीं कर रहा है डिबग कार्ड में, और वोल्टेज को एक बार चेक कर लेंगे, एक ग्राउंड कर दिया, और यहाँ पर अब देखो इस LDO में पहले मैं दिखा नहीं पाया, तो पहली बार यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज नहीं आ रहा था, यहाँ पर जो LDO था, तो अभी देखो इस LDO पे 3.41 वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर देखो जब भी मैंने ये पी चैनल MOSFET को रिमूव कर दिया, तब इसका सोर्स पे 5 वोल्ट आना चालू हो गया और ड्रेन पे कुछ भी नहीं है। तो हमें तो दिखा दूं, अभी देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर सोर्स पे 5 वोल्ट आ चुका है लेकिन ड्रेन पे कुछ भी नहीं है। जब तक ये ड्रेन 5 वोल्ट आउटपुट नहीं होगा तब ये LED नहीं जलेगा। तो अभी देखो, फॉलो करो डिबग कार्ड को, फॉलो करो, और मैं ट्वीजर से देखा रहा हूँ आप लोगों को, ये मैंने ये टच किया, बस थोड़ा सा टच किया, देखो डिबग कार्ड में LED आया है, ठीक है, आएगा। अब देखो देखो डिबग कार्ड में LED आ चुका है, दिख रहा है यहाँ पर, छोड़ दिया, चला गया। तो इसका मतलब ये वाला मॉस्फेट पी चैनल मॉस्फेट खराब है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, इस टाइप के केसेस में आप
यहाँ पर एक किसी भी 81 मदरबोर्ड से गीगाबाइट का या फिर 61 में भी आपको मिल जाएगा और 110 में भी मिल जाएगा। अगर इसका आप है तो यहाँ पर एक पी चैनल मॉसफेट आप लगा सकते हो। अगर आपके पास ये मॉसफेट नहीं है, फिलहाल मेरे पास तो है, तो बहुत सारा स्क्रब बोर्ड है, मैं एक लगा दूंगा, कोई बात नहीं। तो ढूंढना पड़ेगा स्क्रब बोर्ड कहाँ पर है अभी, तो उतना टाइम नहीं है। तो अगर आपके पास मॉसफेट नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज जो है वहां पर एक बाईपास कर सकते हो। दैट मीन्स आप यहां से यहां तक ये है इसका गेट, सोर्स से ड्रेन तक एक जम्पर कर सकते हो। जम्पर करने के साथ साथ ये बोर्ड ऑन कंडीशन, रेडी कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जो मॉसफेट था ये मैं साइड में रख रहा हूँ, कोई बात नहीं, ये खराब है, पी चैनल मॉसफेट है ये। तो अभी देखो, मैं मेरा आयरन रेडी है, मैंने रेडी करके रखा क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। तो एक वायर को ढूंढना है, यहाँ पर वायर मिल जाएगा। तो पहले मैंने जम्पर किया था, कहाँ गया वो वायर, एक सेकंड मैं वायर को ढूंढ लेता हूँ, थोड़ा सा गुम हो गया है। चलो खो गया, एक नया वायर बना लेते हैं, कोई बात नहीं। कटर किधर गया, ओ मिल गया, सॉरी, ये मल्टीमीटर के नीचे है, ये देखो। तो देखो, एक वायर को आपको कहां से कहां तक जोड़ना है, आपको बस इसका सोर्स से ड्रेन तक एक जम्पर करना है, अगर आपके पास मॉसफेट नहीं है तो। और मॉसफेट है तो यहाँ पर एक मॉसफेट मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी भी बोर्ड से, या फिर नया है तो, नया तो नहीं होगा क्योंकि ये परचेस करना पड़ेगा, सभी ये मॉसफेट परचेस नहीं करते क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मॉसफेट नहीं है, इसलिए ज्यादा इसका जरूरत नहीं पड़ता है। तो बोर्ड से ये वाला मॉसफेट मैनेज करना पड़ता है। तो देखो, मेरे पास है, मैं यहाँ पर मॉसफेट लगा के ही छोड़ूंगा, डिलीवरी करूंगा, तो मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड ढूंढना पड़ेगा, अभी टाइम लग जाएगा, कहाँ पर है बोर्ड 81 का, तो दिखा देता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर सोर्स टू ड्रेन एक पी चैनल मॉसफेट है ये, तो एक बाईपास कर दिया। तो अब देखेंगे इसका जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं। तो चलो, मैंने ATX को डाल दिया, इधर घुमा के एक डिबग कार्ड लगा देता हूँ, और यहाँ पर डाल रहा हूँ 4-pin ATX। अभी देखो, बोर्ड को मैं SMPS को पावर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, PS1 वोल्टेज आ चुका है, अभी इसका प्रॉपर वोल्टेज आ चुका है, मल्टीमीटर पे भी दिखा रहा हूँ आपका। इसका स्विचिंग वोल्टेज जो था, LDO वोल्टेज, ये देखो, इसका स्विचिंग वोल्टेज 3.4 आ चुका है, रीसेट वोल्टेज 3.26 आ चुका है, LDO का वोल्टेज आउटपुट 3.42 आ चुका है, LDO का इनपुट 5 वोल्ट आ चुका है, LDO का 2.16 वोल्ट आ चुका है। तो अभी सारा वोल्टेज इसका प्रॉपरली आ चुका है, वही एक से पी चैनल मॉसफेट की वजह से ये शॉर्टिंग हो रहा था। और एक बात ध्यान से सुनो, अगर कभी भी ये मॉसफेट खराब हुआ तो आप चेंज कर रहे हो उसके बाद भी सेम इश्यू है, डिबग कार्ड में लाइट नहीं है, PS1 वोल्टेज नहीं है, तभी आप समझ लेना कि बोर्ड का PCB में कहीं पे भी कोई कंपोनेंट ग्राउंड हो चुका है, शॉर्ट है, कैपेसिटर हो सकता है, ये और कुछ भी हो सकता है। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्टली मॉसफेट को ना लगा के बाईपास करके बोर्ड को डिलीवरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मॉसफेट लगा के रेडी हो गया तो मॉसफेट लगा के ही छोड़ डिलीवरी करना। तो अभी एक बार ऑन भी करके देख लेते हैं, बोर्ड चलता है कि नहीं, कोई और इश्यू है कि नहीं, फिर देख लेते हैं। स्टेट के बोर्ड में मैंने बस पावर सेक्शन को सॉल्व किया और उसके बाद ज्यादा नहीं देखा, तो अभी देख लेंगे। चलो, ऑन कर रहा हूं मैं, ठीक है, चलो ऑन करते हैं। चलो, ये ऑन होके ऑफ हो रहा है, तो चलो वोल्टेज आ चुका है, फिर से एक बार ऑन करते हैं, फिर से ऑफ हो रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर VRM सेक्शन में और PWM IC कोई भी और भी शॉर्टिंग है जिसके कारण ये ऑन होके ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पर IC भी ड्राई हो सकता है,
PWMIC ड्राई होने के कारण भी ऐसा होता है, और PWMIC अगर खराब हुआ तो ऐसा होता है। तो मैं जितना जल्दी हो सके थोड़ा सा चेक कर लूंगा कि MOSFET शॉर्ट है कि कुछ शॉर्ट है, देख लेता हूँ। यहाँ पर कोई MOSFET पे तो बीप नहीं दे रहा है, लेकिन ये ऑन होके ऑफ हो रहा है 15 कोड आके, तो रैम नहीं है उसके मतलब नहीं है। तो मैं थोड़ा सा जो PWM कोर IC है उसे थोड़ा सा हीटअप कर लेता हूँ, क्योंकि ये ड्राई होने की वजह से ऐसा होता है कभी कभार। और यहाँ पर MOSFET भी थोड़ा सा हीट कर देते हैं। तो चलो, ये ड्राई के वजह से भी ऐसा होता है, बोर्ड कोड आके ऑफ होना PWMIC ड्राई होने से अभी ऐसा होता है, और खराब होने पे भी होता है। अगर खराब हुआ है तो ठीक है, वीडियो को बस इतना ही स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि मेरा वीडियो था नो पावर डेड कंडीशन वाला प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। तो अदरवाइज क्या प्रॉब्लम है वो मैं देख लूंगा बाद में, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं, अगर हो गया तो अच्छा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हीटअप करके अगर हो जाए तो अच्छा है। तो देखो, एक्चुअली मैंने पावर ही ऑफ नहीं किया, CPU को ऐसे ही डाल दिया। चलो एक बार ऑन करके देखते हैं, फैन लगाता हूँ। चलो चलो, इसका PWMIC भी फॉल्टी था, तो ये इसीलिए 15 कोड आके ऑफ हो रहा था। चलो अभी एक रैम डाल देता हूँ, तो मेरे ख्याल से इसका PWMIC चेंज करना पड़ेगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि ड्राई से ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर खराब होता है। तो देखो, अभी बोर्ड फिर से ऑफ हो गया, फिर से चालू हो गया। तो चलो, डिस्प्ले आ चुका है इसका, ठीक है। तो डिस्प्ले इसका आ चुका है, मैं मॉनिटर पे भी दिखा देता हूँ और आप भी देख लो। तो देखो, इजीली सॉल्व हो गया, बस आपको ढूंढना है प्रॉब्लम कहाँ पर है। अगर इस टाइप के केस में PCH पे हीट कर दोगे, बायस करोगे, IO चेंज कर दोगे तो सॉल्व नहीं होगा, आपको एग्जैक्ट ढूंढना है कि प्रॉब्लम क्या है। देखो, डिस्प्ले इसका आ चुका है, कोई बात नहीं। तो ऐसे टाइप के केसेस हो तो दिमाग से मत काम लो, दिल से सोचो कि क्यों हो रहा है, ठीक है, तो सॉल्व आउट हो जाएगा। तो और एक बार एक बजर लगा के रीस्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ कि बोर्ड ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, क्योंकि डिस्प्ले पे उठाने में स्टैंड हिल जाता है। चलो, एक बार रीस्टार्ट कर दिया। चलो अभी देखो, फिर से ऑफ हो गया। चलो, बीप दिया, डिस्प्ले आ चुका है इसका, मेरा मॉनिटर पे भी दिख रहा है TFT पे जो डिस्प्ले आ चुका है। तो देखो, सिंपल सी प्रॉब्लम है, आप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, बस फॉलो करते जाओ और कंटिन्यू वीडियो देखते जाओ, आप एक दिन बहुत अच्छा काम सीख जाओगे, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बस टाटा, लव यू ऑल, जय हिंद।